मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है, ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए। कानून तो साफ कहता है कि किसी की गिरफ्तारी उसको दोषी सिद्ध नहीं करती है, और जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता तब तक उसके पद पर बने रहने में कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। लेकिन जेल से सरकार चलाना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि जेल में मुख्यमंत्री के पास फाइलें कैसे बार बार पहुंचेंगी, कैसे मुख्यमंत्री की अपनी कैबिनेट की बैठक हो पाएगी, कैसे वो जेल में बैठकर अचानक आई समस्या पर फैसला ले पाएंगे। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री पर भी फौजदारी और दीवानी का मुकदमा चल सकता है, उसे जेल भी हो सकती है, लेकिन वो जेल किसी को पद से हटाने में बंधन नहीं बन सकता। लेकिन जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री की स्वतंत्रता और संप्रभुता सीमित हो सकती है। उसी तरह जेल में किसी मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार या विशेष सुविधा नहीं होती। साथ ही जेल में मुख्यमंत्री को उसके मंत्रियों अधिकारियों से मुलाकात पर रोक भी लग सकती है। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है। ऐसी स्थिति में केजरीवाल जेल जाकर भी दिल्ली का राज कैसे चला सकते हैं? तो इसे जानने के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल के पूर्व डीजीपी सुनील गुप्ता को सुनिए। अब हफ्ते में दो बार अगर आप इनको अलाउ करेंगे तो उससे तो आपकी सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार चलाने के लिए आपको मीटिंग्स करनी पड़ती है, ऑफिसर से मिलना पड़ता है, गवर्नर साहब से मिलना पड़ता है, कई जगह विजिट करनी पड़ती है, तो इतना आसान नहीं होता। इसके लिए एक आसान तरीका भी है, हमारे जेल रूल्स जो है वो ये कहते हैं कि आप किसी भी जगह को जो है जेल डिक्लेयर कर सकते हो। हालांकि लोकतांत्रिक राजकाज सिर्फ कायदे कानून से ही नहीं बल्कि परंपराओं से भी चलते हैं। अब तक की परंपरा रही है कि किसी मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो वो इस्तीफा दे देता है, फिर किसी और को पार्टी अपना नेता चुन लेती है। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। काफी पहले तमिलनाडु में मुख्यमंत्री रहते जयललिता पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और अपने करीबी पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया। उससे भी पहले सबसे चर्चित मामला चारा घोटाले में फंसे लालू यादव का रहा है, जिसमें सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी से पहले उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और फिर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। अब सवाल ये है कि केजरीवाल किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? परिमल कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।